नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय दलित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय भारती के नेतृत्व में दलित महासभा द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के तहसीलदार पाली को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। ज्ञापन पत्र के माध्यम से उक्त संगठन ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में कहा कि बीते दिन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में गौंड आदिवासियों को गोली से मारा गया। उमरिया जिले में कथित पुलिसकर्मी द्वारा आदिवासी से मारपीट की गई, जिसका इन्होंने विरोध किया। साथ ही जिले की अन्य समस्याओं का उल्लेख कर देश व प्रदेश सरकार को घेरा। हम लोग पांचवीं छठी अनुसूची और पेशा कानून, हमने तो बनाया नहीं कानून, वो संविधान में कानून बनाया तो उसको पूर्ण रूप से लागू शेड्यूल संभाग में लागू करें। और जो आदिवासी अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, जय महिमार में बैग आदिवासी के साथ, गवन गाँव में गोंड आदिवासी के साथ, उसमें गाँव में कोल आदिवासी के साथ, तो जब से ये सरकार आई है लगातार आदिवासी SC ST पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और पिछड़े समाज पर भी लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि जब से सरकारों ने संभाली है, एक बार भी प्रधानमंत्री ने कभी अफसोस नहीं किया कि कोई ऐसे की मृत्यु हो गई है, इतने बड़े बड़े कांड हो गए, मगर एक बार संवेदना नहीं व्यक्त की। पाली में श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय और अनुविभागीय अधिकारी महोदय पाली के नाम पर अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वन अधिकार के तहत पट्टे प्रदाय किए जाना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल इत्यादि खोले जाने के संबंध में मुख्य मुख्य मांगे, और कुछ गांवों में उन्होंने चाहा है कि जो सड़क हैं वो भी जहां आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है वहां तक पहुंच मार्ग विकसित करने के संबंध में कुछ अपनी मांगों के ज्ञापन के माध्यम से मांगी गई हैं और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों तक उनकी इस मांग को, ज्ञापन को हमारे द्वारा प्रेषित किया जाएगा। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।